नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम। सबसे पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। दिल्ली से लौटी राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा, सरकार का जवाब मिलने पर आरक्षण विधेयक पर करूंगी विचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से की चर्चा, कहा अब राज्यपाल को विधेयक पर कर देने चाहिए हस्ताक्षर। कोयला संकट से जूझ रहे उद्योगपतियों को मिली राहत, 10 जनवरी से पहले होगी ई नीलामी। मंत्री मोहन मरकाम ने विधायकों को सीधे तौर पर दी हिदायत, कहा चुनाव लड़ना है तो पद का मोह त्यागें। संसद में बोले स्वास्थ्य मंत्री, त्योहारों के दौरान सतर्क रहे राज्य, हवाई अड्डों पर आरटीपीसीआर जांच शुरू। अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता श्रद्धा की हत्या का आरोपी, आफताब ने वापस ली जमानत याचिका। सीमा विवाद के बीच भारत चीन में हुई बातचीत, शांति बनाए रखने पर हुए सहमत। पीयूष गोयल ने संसद में की टिप्पणी, पूरे देश को बिहार बना दे को लिया वापस, मनोज झा ने की माफी की मांग। केरल सरकार का बड़ा कदम, बगैर डॉक्टर की पर्ची में एंटीबायोटिक्स बेचने पर रोक, रद्द होगा लाइसेंस। 2 दिन बाद भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी दिल्ली, अभी और चढ़ेगा देश का राजनीतिक पारा। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।